खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में चतुर्थ सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने दोषियों को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। 8 अप्रैल 2015 को राघवेंद्र चौधरी निवासी कमसरियत मोहल्ला थाना सिविल लाइन ने अपने घर में कीटनाशक का सेवन कर लिया था, जिसमें मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच की तो युवक की पत्नी सावित्री का धर्मो उर्फ धर्मेंद्र निवासी पाड़ेंटोला से अवैध संबंध की बात सामने आई। इसकी जानकारी युवक को हो गई थी, जिस पर वह पत्नी को मना करता था लेकिन नहीं मानी। इससे ग्लानिवश उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आरोपियों पर अपराध बराबर सिद्ध पाया। उनको 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा ना करने पर 15-15 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। ये थाना सिविल लाइन का मामला है। इस पे धर्मेंद्र विश्वकर्मा उर्फ धर्मु विश्वकर्मा और उसकी प्रेमिका सावित्री चौधरी, जो आंगनवाड़ी पांडेंटोला में सहायिका के पद पर पदस्थ है, इनको सजा पड़ी है। ये सर किस प्रकार के प्रकरण में इसकी स्थिति ये है कि जो मुलजिम सावित्री चौधरी है, इसका विवाह हो गया था और इसका विवाह है 10-10 हजार के साथ हुआ था और ये पति पत्नी दोनों रीवा शहर में रहते थे और मुलजिम सावित्री चौधरी पांडेंटोला में सहायिका के पद पर पदस्थ थी। वहीं पर मुलजिम धर्मेंद्र विश्वकर्मा, जो जिसके विरुद्ध शहर में कई थानों में अपराध पंजीबद्ध है, बहुत दिनों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, ये इसके आपस में इससे संबंध हो गए और संबंध हुए तो ये सावित्री के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी सावित्री के पति को थी, सावित्री के पति ने इसका विरोध किया तो कई बार सावित्री और धर्मु विश्वकर्मा दोनों लोगों ने पति के साथ दोनों ने मिलकर के मारपीट की और पति की बातें जरा भी नहीं माने ये, और अंततः जो है उसने जहर का सेवन करके और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। जब इसकी जानकारी होती है 8-4-2015 को रात को 1 बजे इस बात की जानकारी होती है कि उसके परिजनों को कि इसने कुछ जहर का सेवन कर लिया है, तो माता पिता अन्य लोगों को टेलीफोन लगाते हैं और लगाने के बाद उनको बुलवाते हैं। मृतक का मकान 2 मंजिले का था, उसको नीचे परिजन उसको लेकर के आते हैं और घर पर ही उसका देहावसान हो जाता है और इसकी सूचना सिविल लाइन थाना को दी जाती है। सिविल लाइन इस पर मर्ग कायम करता है। सिविल लाइन थाने में मर्ग क्रमांक 16/2015 का कायम किया गया और प्रकरण की विवेचना चालू की। चालू करने के बाद अपराध सिद्ध पाया गया, जिस पर थाना सिविल लाइन ने अपराध क्रमांक 763/15 धारा 306 का अपराध पंजीबद्ध किया धर्मेंद्र विश्वकर्मा एवं सावित्री के विरुद्ध। और ये जो इसका मामला पंजीबद्ध किया 23/12/2015 को पंजीबद्ध किया और 9/7/2016 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया और 7/6/2017 से इस पर साक्ष्य कराए गए और 14/12/2022 को दंडादेश दोनों के विरुद्ध पारित किया गया, जिस पर धारा 306 दुष्प्रेरण का अपराध
दुष्प्रेरण सिद्ध किया गया, सिद्ध हुआ, माननीय न्यायालय में 15 साक्षी परिचित कराए गए और अंत में अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा और इन्हें 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड से दोनों को दंडित किया गया। दोनों मुलजिमों ने अर्थदंड की राशि जमा नहीं की है तो माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में 15-15 महीने का, माने 5-5 वर्ष का वो, और अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 15-15 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आर के शर्मा जी की अदालत में सुनाई थी। और अंततः मृतक को, चूंकि ये 2015 से मामला न्यायालय में चल रहा था, अंततः उसको न्याय डीएन मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय विभाग।